सारा हिसाब देख लिया, इतने ही पैसे बनते हैं बस। पापा इतने पैसों में क्या होगा, हमें छोटे घर में शिफ्ट होना ही होगा। एक मुश्किल खत्म होती नहीं, दूसरी शुरू हो जाती है। पता नहीं अब क्या होगा। हेलो, हैप्पी बर्थडे सिद्धि। क्या हुआ? लगता है तू अपना बर्थडे भूल गई। लेकिन हमें तेरा बर्थडे याद है, इसलिए हम सब तेरे घर तेरा बर्थडे केक लेकर आ रहे हैं। भैया। हाँ हाँ, मैंने शिल्पा को भी बुला लिया है, इसलिए मैं, शिल्पा, चैतन्य, हम तीनों तेरे घर आ रहे हैं। नहीं भैया, आप आज मत आइए। नहीं आए क्यों? मुझे दीजिए। क्या हुआ सिद्धि, क्यों नहीं आए? हमें कुछ नहीं पता, हम तो आ रहे हैं। शिल्पा मेरी बात तो सुन, मैं कल मार्केट आऊंगी ना, तब तुझसे मिल लूंगी। अब तो बड़ी हो गई है, ऐसी बातें नहीं करते, समझ ले। ठीक है। अच्छा सुन, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ठीक है, बाय। घर की इतनी परेशानी में मैं अपना बर्थडे कैसे मना सकती? कुणाल को मेरा बर्थडे याद भी नहीं होगा, होगा भी कैसे? इतनी टेंशन जो है। चाची, आपको चाचू बुला रहे हैं। कहाँ पर? टेरेस पे। अच्छा, तुम दोनों जाके खेलो। बोलो, कैसा लगा सरप्राइज? हाँ, बहुत अच्छा। आपको मेरा बर्थडे याद था? याद तो था, मगर सोचा कि विश मैं तब करूंगा जब सब कुछ ठीक हो। सामने फूल, बीच में केक, पीछे लाइट्स, सब। इसलिए मैं विश कर सकता हूँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वैसे केक थोड़ा छोटा नहीं है, बड़ा हो सकता था। छोटा हुआ तो क्या हुआ, देने वाले का दिल तो बड़ा है, और वो दिल जो मुझसे बहुत प्यार करता है, और जब तक ये प्यार करता रहेगा ना, मेरे पास दुनिया की हर एक खुशी रहेगी। अच्छा हुआ आपने बड़ा केक नहीं लाया। क्यों? नहीं तो इसे खाने के लिए बहुत सारे लोग भी तो होते। फिर मैं आपके साथ ये टाइम कहाँ स्पेंड कर पाती। वैसे कुणाल, यहाँ आप है, मैं हूँ, और कुछ मेहमान। मेहमान कौन है भाई? भैया कहाँ है? आ जाओ भाई बाहर। मेहमान कहाँ है? ये चांद, तारे, खुला आसमान, ये सारे आज रात के मेहमान तो है, और ये मेहमान हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बड़ी रोमांटिक बातें करनी शुरू कर दी हैं तुमने। किसका सर है भाई? आप ही की संगत का सर है। संगत का नहीं, प्यार का। चलो केक काटेंगे। ए कुणाल, आप वहां मत जाइए प्लीज। अभी आता हूं। Thank you.
आज पार्किंग एरिया में भी कोई था जो सामने नहीं आया, और यहाँ पर भी कौन हो सकता है? कुणाल भी नहीं आया, कहीं है भगवान, कुणाल ठीक तो है? वॉचमैन, तुम टेरेस पे क्या कर रहे थे? तुम्हारी ड्यूटी तो यहाँ पर है नीचे। जी साहब क्या, और भाग क्यों रहे थे? मैं भाग नहीं रहा था साहब, मैं तो उसका पीछा कर रहा था साहब। मैंने बिल्डिंग में किसी को आते हुए देखा, मुझे उस पे शक हुआ, मैं उसे पकड़ने ही वाला था, तब तक आपने मुझे रोक लिया। मतलब टेरेस पर कोई था? तुमने उसकी शक्ल देखी? नहीं साहब, इतने अंधेरे में मुझे कुछ दिखा नहीं। ठीक है जी साहब। सिद्धि कुणाल, आप ठीक है ना कुणाल? हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। कौन था वहाँ? मालूम नहीं, मगर कोई था। वॉचमैन ने किसी को जाते हुए देखा, मगर उसकी शक्ल नहीं देख सकते। पर कुणाल कौन हो सकता है जो हमें इस तरह चुप कर देख रहा था? मैं कल भी आपको कह रही थी कि कोई है करके, लेकिन आप ही कह रहे थे तुम्हारा वहम है। अरे सोचो मत, कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन कुणाल अगर कोई मजाक कर रहा होता तो वो सामने आता ना, इस तरह भाग के थोड़े ना जाता। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा अब। तुम डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और वैसे भी हमें कोई परेशान क्यों करेगा? हाँ, एक है जो परेशान करना चाहेगा, मगर वो फिलहाल जेल में है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, समझे? कुणाल, अगर वो दोबारा से आ गया, अगर वो दोबारा आ गया ना, तो केक उसी के साथ काट लेना तुम, क्योंकि मुझ पे तो भरोसा है नहीं तुम्हें, और ना ही जो मैंने किया उसकी कदर है। तो जो है उसको देखो, जो नहीं है उसके बारे में क्यों सोच रही हो? मिस्टर इंडिया था, गायब हो गया, अब छोड़ो उसको। तुम क्यों डर रही हो? बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह। मैं भीगी बिल्ली? एक्चुअली तुम भीगी बिल्ली नहीं, जंगली बिल्ली, बिल्कुल डरपोक। देखिए मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ। कुणाल, क्या हुआ जंगली बिल्ली, बिजली से डर गई? देखो इससे पहले तुम्हारे मेहमान नाराज हो जाए ना, और बारिश होना शुरू हो जाए, ऐसा करते हैं केक काट ले। ये तो और भी अच्छा, बारिश के पहले मौसम में हम दोनों। ए मेहमान जी, जन्मदिन इनका है, इनको बुझाना है, आपको नहीं। आप पहले आंख बंद करके विश मांगो, जो विश मांगोगी ना वो पूरी हो जाएगी, ठीक है? आंखें बंद, विश मांगी, लो चलो जाओ। ये भैया तुम्हारी विश भी पूरी हो गई, बारिश आ गई, खुश? बहुत खुश, मुझे बारिश बहुत पसंद है। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, चलो। पर कुणाल सुनो ना। अरे कुछ सुना नहीं, चलो उठा उठो, चलो ना। सुनिए तो मेरी बात। नहीं कुणाल, मुझे बारिश में भीगना है। अरे सिद्धि,
अरे भीग जाओगी तो बीमार पड़ जाओगी, सर्दी हो जाएगी। अरे पहली बारिश में कुछ नहीं होता है, आइए ना। अरे अंदर आओ ना। दरवाजा कैसे खुल गया? अरे कहाँ चले गए सब? काका तुम? डरो मत रवीना, मैं ही हूं। फायदे में मैं तुम्हारे पति से मिलने आया था और तुम कि मुझे अंदर तक नहीं आने दे रही हो। विक्रम घर पर नहीं है। Really? तो इसका मतलब तुम घर पे अकेली हो। तो अब तो मैं आ चुका हूं, तो मैं तुम्हें से मिल लेता हूं। प्लीज रवीना ऐसे मत देखो, कुछ होता है इधर। रवीना मैं तुमसे बहुत नाराज हूं, तुमने मुझे फोन ही नहीं किया विश करने के लिए। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारे पति का बिजनेस पार्टनर जो बन चुका हूं, विश तो करना चाहिए था ना। मैं तुम जैसे घटिया आदमी के मुंह नहीं लगती, और तुमने जो करना था वो तुमने किया ना। अब देखो विक्रम क्या करता है। विक्रम क्या करेगा? उसका तो सिर्फ एक ही काम है, हैरान होना। और मेरा काम क्या है? परेशान करना। और अब क्या, मैं आगे भी परेशान करता रहूंगा, क्योंकि इंसान अपनी कमजोरी को पाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देता है। और तुम तो जानते हो कि मेरी हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना रोहित, कितना गिर चुके हो तुम। जानता हूं रवीना, जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो मैं तब से कितना गिर चुका हूं, और मैं और भी गिरना चाहता हूं, लेकिन अकेले नहीं, विक्रम को साथ लेकर गिरूंगा। After all, he's my business partner. उसी ने मेरी लव लाइफ बर्बाद की ना, मैं उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों बर्बाद कर दूंगा। वैसे सब कुछ मैं विक्रम से कहने आया था, लेकिन ये सब कुछ तुम विक्रम को बताओगी अब, ताकि उसे मालूम चल जाए कि वो मुझे कभी भी नहीं रोक सकता, और मैं जब चाहूं अपनी चीज वापस ले जा सकूं। I'm back, विक्रम, I'm back। Bye, I'll miss you. और भीगो बारिश में, हो गया ना जुकाम? ठीक है ठीक है, बातें बाद में करना, पहले छींक लो। नहीं कुणाल वो, ये लो। ये क्या है? काढ़ा, सीमा ने बनाया है, सर्दी का दुश्मन, पी लो। नहीं ये बहुत कड़वा होता है। कड़वा होता है? अरे भीगने से पहले सोचना चाहिए था ना। ये भीग तो आप भी रहते ना। अरे मैं कौन सा खुद गया था, तुम खींच के ले गई थी मुझे। लो। नहीं ये बहुत कड़वी होती है, मुझे नहीं पीना। अरे दवाई जितनी कड़वी होती है ना उतनी जल्दी असर भी करती है। साला खट्टा समझ के पी जाओ, एक घुट में काढ़ा अंदर सर्दी बाहर, फिनिश। लो। नहीं। मैं अनोखी परेशानी को बुलाऊं? बोलो। देखो जैसे तुम दूध पीने से डरती हो, तुम्हारी चाची काढ़ा पीने से डरती है। अच्छा तो चलिए अब आप पीजिए। अरे मैं क्यों पियूं, सर्दी मुझे थोड़ी ना हुई है। सर्दी देखा हो गया ना जुकाम, ये काढ़ा अब आपको पीना। नहीं, 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 नहीं मेरे को नहीं पीना। मैं नहीं है। क्यों? आप तो बहुत बहादुर हो, चलो चलो पी लो। अरे नहीं, नहीं बहुत कड़वा है। अच्छा बच्चों को बुलाओ, बताओ उन्हें कि जैसे वो दूध पीने से डरते वैसे ही उनके चाचू काढ़ा पीने से डरते। चलो चलो पी लो। मेरी बिल्ली मुझे म्याऊ, पहले तुम पियो। नहीं पहले आप पियो। अरे लेडीज फर्स्ट। अच्छा माँ को बुलाओ। अरे बुला लो माँ को, डरता है कोई? माँ को बीच में क्यों लाती हो? काला पीता हूं ना मैं। हाँ मगर इसलिए नहीं पी रहा हूं कि मां से डरता हूं मैं,
कहती रहा हूँ कि माँ को टेंशन नहीं होनी चाहिए, है ना? ठीक है, अब इसे जल्दी से पी जाओ, ऐसे पियो जैसे ठंडाई पी रहे हो, काढ़ा अंदर सर्दी बाहर। चलो पियो। तो अब तुम पियो, तुम्हारी बारी, पियो। कुनाल, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे बर्थडे के दिन मुझे काढ़ा पीना पड़ेगा, और ये भी नहीं पता था कि मुझे इतना अच्छा सरप्राइज मिलेगा। मतलब सरप्राइज कामयाब, मतलब कि मेहनत रंग लाई, मतलब रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल बनता है, ले लीजिए काढ़ा। अरे यार ये कोई रिवॉर्ड है? काढ़ा पी। ये रिवॉर्ड होता है? हाँ मालूम है रिवॉर्ड क्या होता है?